हेलो स्टूडेंट्स, अपना गुरुकुल यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर से आपका स्वागत है। डियर स्टूडेंट्स, मेरा नाम है लोकेंद्र सिंह राजावत और आज हम देखने वाले हैं हमारे आरएस अग्रवाल सॉल्यूशंस में एक्सरसाइज 1D का क्वेश्चन नंबर 1। तो चलिए शुरू करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 क्या है, फाइंड ईच ऑफ द फॉलोइंग प्रोडक्ट्स। यहाँ पे टोटल 12 क्वेश्चन गिवन है क्वेश्चन नंबर 1 में, उन सबके हमें प्रोडक्ट फाइंड करना है। प्रोडक्ट फाइंड करने का मतलब है हमें इनको मल्टीप्लाई करना है। तो पहले मल्टीप्लाई का बेसिक रूल क्या है वो हम जान लेते हैं कि जैसे a बाई बी एक रेशनल नंबर है, इसको हमें c बाई डी से मल्टीप्लाई करना है। तो न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करना होता है, डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई करना होता है। इसके साथ ही अगर b और d, c या फिर a और d या फिर ऊपर नीचे a और b और c और d, ये आपस में क्या हो रहे हैं, किसी कॉमन नंबर से मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो हम सॉरी कॉमन नंबर से डिवाइड हो रहे हैं, तो हम क्या कर सकते हैं, इन दोनों को ऊपर नीचे भी डिवाइड कर सकते हैं। तो जैसा मैं अभी क्वेश्चन में अप्लाई करके बताऊंगा तब आप लोगों को अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो देखिए यहाँ क्या है, तो पहले तो देखो ये 3 दोनों से किसी से डिवाइड हो रहा है क्या, नहीं हो रहा। इधर ये 5 भी ऊपर किसी से भी नहीं हो रहा, मतलब हमें सिंपली क्या करना पड़ेगा, न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ध्यान रखना ये सारी चीज़ें क्या करनी होती है, हमेशा विद साइन मल्टीप्लाई करनी होती है। साइन का बहुत जरूर ध्यान रखना है। तो साइन से कैसे होगा, अगर पॉजिटिव को पॉजिटिव से मल्टीप्लाई करेंगे तो पॉजिटिव आएगा, नेगेटिव को नेगेटिव से करेंगे तो भी पॉजिटिव आएगा, और पॉजिटिव को नेगेटिव से करेंगे तो नेगेटिव आएगा, और नेगेटिव को पॉजिटिव से करेंगे तो भी नेगेटिव आएगा। मतलब अगर ऑपोजिट साइन है तो नेगेटिव आएगा और सेम साइन है तो पॉजिटिव आएगा। आई होप आप लोगों को ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। अब क्वेश्चन के ऊपर इसको अप्लाई करना, ये पॉजिटिव है ये नेगेटिव है, तो नेगेटिव आएगा 7 3 जा 21, 8 ये पॉजिटिव ये भी पॉजिटिव तो पॉजिटिव आएगा, 8 5 जा 40। तो यही क्या आ गया, हमारा आंसर हो गया। आई होप आप लोगों को ये अच्छे से समझ में आ गया होगा। सिमिलर देखो ऐसा ही क्वेश्चन ये रहा, माइनस प्लस माइनस 9 5 जा 45 और नीचे कितना है 2 4 जा 8। फिर आगे देखो इसको सॉल्व करते हैं। तो देखो यहाँ एक चीज़ आप नोटिस कर पा रहे होंगे, एक इसको करने के 2 तरीके हैं, या तो देखो 3 1 जा 3 और 3 2 जा 6। तो अब ऊपर क्या बन गया, माइनस 2 और माइनस 5 बच गया, इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर लेंगे, और नीचे 11 और 1 बच गया, इसको आपस में मल्टीप्लाई। या फिर आप चाहो तो डायरेक्ट पहले क्या कर लो, माइनस माइनस प्लस हो गया, 6 को 5 से करेंगे 30 आएगा, फिर 11 3 जा 33 आएगा, फिर इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखना पड़ेगा। तो देखो ये 3 से डिवाइड हो रहा है, ये भी 3 से, ये 10 टाइम डिवाइड हुआ और ये 11 टाइम। अगर आप यहाँ से पहले इसको सिंप्लीफाई कर लोगे ऊपर नीचे तो और भी आसान हो जाएगा, हमारे को आगे जाके फिर मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो देखो मतलब हमने क्या किया, यहाँ पे 6 5 जा मल्टीप्लाई करना पड़ा ना, और हो सकता है बड़े बड़े नंबर हो तो उनको मल्टीप्लाई करना ज़्यादा टाइम टेकिंग होगा, तो हम कोशिश करेंगे कि जितना सिंप्लीफाई हो सके वो यहीं कर दें। देखो माइनस माइनस प्लस 2 5 जा 10 और 11 1 जा 11। तो देखो दोनों का रिजल्ट सेम ही आ रहा है, तो आप कोई सा भी तरीका फॉलो कर सकते हो। तो यहाँ देखो 3 1 जा 3 3 2 जा 6। ध्यान रखना न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर ही आपस में डिवाइड होंगे, ये दोनों आपस में नहीं होंगे, ये इससे भी डिवाइड हो सकता है, इससे भी हो सकता है, बीच में मल्टीप्लाई है इसलिए। तो देखो माइनस प्लस माइनस आएगा, 2 2 जा 4 आएगा, 1 7 जा 7। आई होप आप लोगों को ये अच्छे से समझ में आ रहा होगा। तो देखो 5 1 जा 5 5 2 जा 10 3 1 जा 3 और 3 4 जा 12। तो ऊपर देखो माइनस 4 और 12 बच गया, और नीचे क्या बच गया, 1 और माइनस का 1 बच गया, यही बचा। तो देखो माइनस 4 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का 8 आएगा, ये माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, नीचे देखो 1 1 जा तो 1 ही होता है, और माइनस को प्लस से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का 1, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया और ये क्या हो जाएगा, 8 upon 1 में केवल 8 लिख सकते हैं, नीचे 1 लिखने की ज़रूरत नहीं है, तो इसका रिजल्ट क्या आएगा, 8 आएगा। आई होप ये भी आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब यहाँ देखो 3 1 जा 3 3 3 जा 9 5 2 जा 10 5 5 जा 25। तो ऊपर तो 5 1 बचा, 5 multiply 1 कितना हो गया, 5 हो गया, नीचे -3 और -2, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा मल्टीप्लाई होके, 3 2 जा 6, तो इसका रिजल्ट कितना आ गया, 5 upon 6। आप चाहो तो पहले इसको इससे मल्टीप्लाई कर लो, फिर इसको इससे कर लो, फिर दोनों को सेम नंबर से क्या करो, डिवाइड करो सिंपलेस्ट फॉर्म में लाने के लिए। तो मैंने यहाँ पे कोशिश की है कि शॉर्ट में बता दिया आप लोगों को। यहाँ देखो 9 1 जा 9 9 2 जा 18 5 1 जा 5 5 4 जा 20। तो देखो ऊपर क्या है, एक 1 है, माइनस का 1 है, तो रिजल्ट क्या आएगा, 1 multiply 1 तो 1 होता है, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। ये देखो माइनस का 2 और 4 2 4 जा 8 और माइनस प्लस माइनस का 8, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो कितना बचा, 1 upon 8। आई होप ये भी आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो देखो अब 13 1 जा 13 13 2 जा 26
5 3 जा 15 और 5 5 जा 25, ऊपर -1 और -5 है तो वो कितना हो जाएगा, प्लस का 5 हो जाएगा, और नीचे देखो 3 है 2 है तो वो कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। तो इसका आंसर कितना आया, 5/6। आई होप ये भी आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट पे देखो, अब देखो ऊपर कुछ डिवाइड हो रहा है तो करेंगे, अदरवाइज नहीं करना है। तो देखो ये 7 से 3 टाइम हो गया, 7 से 2 टाइम हो गया। अब ऊपर कितना बचा, 32 और 2 बच गया, मतलब सॉरी 16 और 2 बच गया, मल्टीप्लाई करने पे 32 आ जाएगा। नीचे माइनस का 3 और 5 है तो 3 5 जा 15 और माइनस प्लस माइनस का 15, तो हमारा रिजल्ट क्या हो गया, 32/-15। यहाँ देखो अब नीचे इसका कुछ भी नहीं है तो नीचे क्या लगा सकते हो, 1 6 1 जा 6 6 4 जा 24 हो गया। तो ऊपर तो क्या हो गया, देखो -7 × 4 माइनस प्लस माइनस, 7 4 जा 28, नीचे 1 × 1 और नीचे 1 लगाने की जरूरत नहीं है तो कितना रिजल्ट आएगा, -28। यहाँ देखो नीचे 1 लगा लो यहाँ, तो आप चाहो तो अब देखो अगर आप लोगों को 24 की टेबल नहीं आती है तो आप कोई ऐसा नंबर ढूंढ सकते हो जो दोनों में डिवाइड करे। तो देखो ये 2 से करोगे तो 12 टाइम होगा, यहाँ पे 2 से करोगे 24 टाइम माइनस का आएगा, फिर 2 से करोगे तो कितना आएगा, 6 टाइम, फिर 2 से करोगे तो -12 आ गया, फिर 2 से करोगे 3 टाइम, फिर यहाँ पे 2 से करोगे तो माइनस का 6 आ गया, फिर 3 से 1 टाइम होगा और 3 से 2 माइनस का 2, तो फाइनल क्या आ गया, ऊपर माइनस का 2 आ गया। तो आप चाहो तो डायरेक्ट कोई दूसरी टेबल भी यूज कर सकते हो, जैसे 8 की टेबल से कर लो, ठीक है, या फिर आप चाहो तो 24 की टेबल से कर लो तो भी कितना आएगा, 24 1 जा 24 और 24 2 जा 48 और माइनस का, इसलिए माइनस का 2 आएगा। आई होप आप लोगों को ये चीज़ समझ में आ गई होगी। अब ऊपर 7 है और -2 है तो कितना हो गया, -14 और नीचे 1 है, 1 है तो 1 लिखने की जरूरत नहीं होती, इसलिए कितना आएगा फाइनल रिजल्ट, -14। अब ये देखते हैं लास्ट क्वेश्चन, तो देखो नीचे 1 लगा लो, 5 1 जा 5 5 2 जा 10, ऊपर -13 को -2 से करेंगे माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 13 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 16 होगा, नीचे कितना है 1 और 1 लगाने की ज़रूरत नहीं है। आई होप आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा, इनको अच्छे से नोट कर लीजिए। इसी के साथ हमारा आज का लेक्चर खत्म होता है, नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग अगले क्वेश्चन को देखने वाले हैं। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। तब तक के लिए थैंक यू।